वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो ट्रेडर्स। ये हमारे डे 30 की वीडियो है। हमारा ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं, 10% हम गेन करेंगे। डे टारगेट इतने के आसपास है। इस वाले अमाउंट को मैंने अपने मनी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर्मूला में मैंने यहाँ फिल कर लिया। इससे क्या होता है, हमारे स्टार्टिंग फर्स्ट ट्रेड का अमाउंट आ गया। इस अमाउंट को मैं अपने कोटेक्स अकाउंट पर फिल कर दूंगा। ये अमाउंट मैंने अपने कोटेक्स अकाउंट पर फिल कर लिया। ट्रेडर्स, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, पब्लिक टेलीग्राम चैनल है ट्रेडर्स, ये हमारा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेडर्स, हमारे नाम से आपसे कोई भी पैसे मांगता है तो किसी को भी पैसे कोई भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडर्स मैं अपनी ट्रेडिंग खुद से कर लेता हूं, तो मुझे किसी से पैसे लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप कोटेक्स में अकाउंट ओपन करते हैं तो उसको आप डिपॉजिट करके विदड्रॉल भी कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इतनी भी हमारी फैसिलिटी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे VIP सिग्नल हो गए, PDF बुक हो गई, कोई भी एजुकेशनल वीडियो हो गई या सॉफ्टवेयर होगा, सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कोटेक्स में अकाउंट ओपन करके $10 डिपॉजिट करेंगे, या मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपये भी कर सकते हैं। आप इसको अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक ऐसा पैटर्न दिखा रहा हूँ जिससे आपको इसमें समझ में आएगा कि अगर आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो आपका कितना भी लॉस होता है तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इस सीरीज में मैन ऑफ द पर्पज़ हमारा जो मैनेजमेंट फार्मूला है इसी का रहता है। इस फार्मूले की वजह से ही हम इस सीरीज को कम्प्लीट कर पाते हैं और इसको हम इसी तरह से कम्प्लीट करेंगे। तो जैसे इसमें सेटअप कंप्लीट होगा मैं आपके लिए ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा, और जैसे ये कम्प्लीट हो जाता है थोड़ा वेट कर लेते हैं। ट्रेडर्स, यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट हो रहा है। ग्रीन कैंडल बनी हुई है, उसके बाद रेड कैंडल बनी है। मैं डाउन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया, देखें क्या रिजल्ट आएगा। ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई, चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो मैं कैपिटल एल पेस्ट कर दूंगा। इससे क्या होता है, हमारी स्टार्टिंग की फर्स्ट ट्रेड का जो सेकंड ट्रेड है वो अमाउंट आ गया 32489। ट्रेडर्स, यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट हो रहा है। रेड ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद रेड कैंडल बनी है। मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, देखें क्या रिजल्ट आएगा। ये ट्रेड हमारे लॉस हो गई, चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो मैं कैपिटल एल पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है ट्रेडर्स 72110। तो इस अमाउंट को ट्रेडर्स मैं फिल करूंगा तो ये हमारी मिनिमम ट्रेड 17 की लगती है, तो मैं 17 यहाँ फिल कर दूंगा। तो दूसरे पेयर में देख लेता हूँ कुछ दिखता है ना। ट्रेडर्स, मैंने डाउन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया, हमारा सेट यहाँ पर कम्प्लीट होना था। ये ट्रेड हमारी विन होगी, चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर और मैं अपना डब्ल्यू फिल कर दूंगा। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया हमारा 14915। ट्रेडर्स, यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट होगा। मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, देखें क्या रिजल्ट आएगा। ट्रेडर्स, ये ट्रेड हमारी लॉस होगी, चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। मैं कैपिटल एल पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया हमारा 33104। ट्रेडर्स, यहाँ पर सेटअप कंप्लीट होगा। मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, देखें क्या रिजल्ट आएगा। ये ट्रेड हमारी लॉस होगी, चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इतना आया, इस अमाउंट को मैं अपने मैनेजमेंट कोटेक्स पे फिल कर लूंगा। यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट होगा। मैंने अपसाइड के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया, देखें क्या रिजल्ट आएगा। ये ट्रेड विन हो गई, चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। मैं यहाँ कैपिटल डबल पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया 15197। यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट होगा। मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, देखें क्या रिजल्ट आएगा। ये ट्रेड हमारे लॉस होगी, चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। मैं कैपिटल एल पेस्ट कर दूंगा।
नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया हमारा 33730। ट्रेडर्स यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो रहा है, डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, देखें क्या रिजल्ट आएगा। ये ट्रेड हमारे लॉस भी चलते मैनेजमेंट सिस्टम पर, मैं कैपिटल एल पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इतना आया, इस अमाउंट को मैं अपने कोटेक्स अकाउंट पर मैं फिल कर दूंगा। यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट हो रहा है, मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, देखें क्या रिजल्ट आएगा। ये ट्रेड हमारे लॉस हो गई चलते मैनेजमेंट सिस्टम पर, मैं कैपिटल एल पेस्ट कर दूंगा। इसी अमाउंट को मैं 2 टाइम ट्रेड करूंगा तो ये अमाउंट इसी के अमाउंट के आसपास हो जाएगा। ट्रेडर्स मैंने अपसाइड के लिए डबल ट्रेड प्लेस कर दिया और गलती से 3 ट्रेड प्लेस हो गई हैं और यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया था। 1 2 3 4 रेड कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है और अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, देखें क्या रिजल्ट आएगा। ये ट्रेड हमारी विन हो गई चलते मैनेजमेंट सिस्टम पर, मैं यहाँ कैपिटल डब्लू पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है 15484। ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।